नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर यानी अंधी हत्या यानी अननोन मर्डर की श्रृंखला की अगली कड़ी है। कल और परसों लोगों ने कमेंट करके ये पूछा कि साहब ये इस श्रृंखला का क्या उद्देश्य है या क्या मतलब है या ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि तमाम ऐसी हत्याओं के बारे में, तमाम ऐसे अपराध के बारे में मैंने आपको बताया है जिसमें शुरुआती दौर में अपराधी का पता नहीं होता, न घर वाले कुछ बता पाते हैं, न मालिक कुछ बता पाता है अगर किसी संस्थान में कोई घटना हुई है। सामान्य रूप से लोग कहते हैं हमारी किसी से रंजिश नहीं है, हमारी ऐसी रंजिश किसी से नहीं है कि कोई हत्या कर दे या कोई डकैती डाल दे या कोई, और ऐसे में पुलिस के सामने बड़े चैलेंज होते हैं। पुलिस उस चैलेंज से कैसे निपटती है, कौन कौन से एविडेंस हैं जो फाइनली अपराधी तक पहुंचने में मदद करते हैं। हम किसागुरी परिवार के लोगों को इस बात के लिए एजुकेट करना चाहते हैं कि दिखने में बहुत छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य अपराधी तक पहुंचा देते हैं। आप भी अपने अगल बगल, अपने आसपास, पास पड़ोस या आपका अगर इंटरेस्ट है तो किसी क्राइम में, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो अपराधी तक पहुंचाए, इसका ध्यान रखें। पुलिस से शेयर करें, पुलिस से सीधे नहीं शेयर करना चाहते, सोशल मीडिया के माध्यम से करें ताकि पुलिस असली अपराधी तक पहुंच सके। यही मेरा उद्देश्य है। अलग अलग घटनाओं में अलग अलग पुलिस ने किस तरह से अपराधी तक पहुंचने का काम किया। आज की घटना इंदौर के महू से है, महू जिसको अब रीनेम कर दिया गया है। महू का जो फुल फॉर्म है वो MHOW है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। ब्रिटिश पीरियड से ये महू के नाम से ही जाना जाता है। अब शायद इसको रीनेम करके इसका नया नाम अंबेडकर नगर किया गया है। बहरहाल महू में बड़गोदा के जंगलों में पिपल्या के पास 19 जुलाई 2022 यानी हालिया घटना है, एक महीने भी नहीं हुए हैं। 19 जुलाई 2022 को आने जाने वालों ने, जंगल से पास होने वालों ने, आसपास के रहने वालों ने पुलिस को सूचना दी कि जंगल के बीच में ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से जलाया गया है, लेकिन अभी भी उसके कुछ रिमेन्स यानी उसके जो थोड़े बहुत अधजले टुकड़े हैं उससे ये लगता है कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर जलाया गया। आसपास के गांवों में इस तरह किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार इस तरह से जंगल के भीतर न किया जाता है, न किया गया है। पुलिस पहुंची, पुलिस ने देखा कि हाँ ये ह्यूमन बॉडी है, उसको कब्जे में लिया, पंचायतनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास मुनादी करवाई गई, पुलिस ने मुनादी करवाई, लोगों को बताया कि भाई कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है। उससे बहुत ज़्यादा ये भी क्लियर नहीं था, हालांकि अंतिम संस्कार में पुरुष और महिला के अलग अलग हिस्से देर से नष्ट होते हैं, उससे ये अंदाज लगता है कि ये डेड बॉडी पुरुष की थी या महिला की थी। इसी अंदाजे से पुलिस ने और जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि ये पुरुष की डेड बॉडी हो सकती है जो जलाई गई है। सारे हिस्से जलकर खाक हो गए थे, थोड़ा सा हिस्सा उसका चेस्ट का वो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में ये भी रिक्वेस्ट की कि चूंकि अभी तक
इसकी पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए डीएनए सैंपलिंग जरूर कर ली जाए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने उसकी डीएनए सैंपलिंग भी कर ली। 3-4 दिनों तक कुछ भी पता नहीं लगा कौन आदमी हो सकता है। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सभी थानों को ये सूचना भेजी कि अगर आपके यहां कोई व्यक्ति गुमशुदा है, पुरुष या महिला, जो 19 जुलाई 2022 से पहले जिसकी गुमशुदगी लिखी गई हो उसके बारे में सूचना दे दें, ताकि एस्टेब्लिश करने में आसानी हो कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है। इसी बीच में किशनगंज थाने से 19 जुलाई को ये डेड बॉडी मिली थी, 24 जुलाई को किशनगंज कटकटखेड़ी के रहने वाले हुकुम सिंह चौहान के बेटे हंसराज की गुमशुदगी का पता लगा। और ये पता लगा कि ये दो या तीन दिन पहले घर से गया था, वापस नहीं आया। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन नंबर्स की जानकारी की, उसकी लोकेशन उन्होंने देखी। लोकेशन देखने के बाद उन्हें पता लगा कि ये फोन 19 जुलाई 2022 को पिपल्या जंगल के पास बंद हुआ है और डेड बॉडी भी वहीं आसपास मिली थी, यानी उसी टावर का जो एरिया रहा होगा उसी सेल में ये बॉडी मिली थी। पुलिस को ये अंदाजा लग गया कि हो सकता है ये डेड बॉडी जिसका अंतिम संस्कार हुआ है या जिसे जलाया गया है आपराधिक कृत्य से, वो हंसराज चौहान की हो, जिसके पिता का नाम हुकुम सिंह चौहान था और कटकटखेड़ी का रहने वाला था। पुलिस ने उसके कॉल डिटेल में तमाम जिन जिन लोगों से बातचीत होती थी उन लोगों के नंबर स्कैन करने शुरू किए और उस जगह का मोबाइल डंप डाटा भी निकाला। बातचीत करते करते उन्हें कुछ नंबर ऐसे मिले जिससे फ्रीक्वेंटली बात होती थी मृतक के मोबाइल से। जिस नंबर से सबसे ज्यादा बात होती थी उस नंबर के फिजिकल वेरिफिकेशन में यह पता लगा कि वो मलेंडी की रहने वाली एक महिला है जो शादीशुदा है। महिला पुलिस कर्मियों के माध्यम से उसे थाने पर बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब उस महिला के कॉल डिटेल्स इकट्ठा मंगाई गई और उसको एनालाइज करना, जो क्राइम ब्रांच है इंदौर का, उसने उसको एनालाइज करना शुरू किया। उसमें भी उसे 3-4 नंबर मिले और घटना वाले दिन के जो 4-5 नंबर मिले वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। एक बात यहाँ और मैं बता दूँ कि जब पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहाँ पर वो बॉडी जिसका 90% हिस्सा जल चुका था, 10% हिस्सा ही बचा था, वहाँ पर उन्हें एक लाठी मिली। गांव में लोग लाठी लेकर चलते हैं, बांस की लाठी, उसे काफ़ी उसका बड़ा जिसे कहते हैं कि उसमें तेल लगाते हैं, उसे कटोरी में भरे हुए तेल में खड़ा करते हैं ताकि वो टूटे नहीं और वजनी रहे, जिस किसी पर जानवर पर ज़्यादातर जानवरों पर वार करने के लिए उस जंगली इलाके में लोग लाठी रखते हैं। एक डंडे का थोड़ा मॉडिफाइड स्वरूप होता है और जो उसमें बांस की बैम्बू का होता है, ये सॉलिड बैम्बू का, और उसकी जो गांठें होती हैं उनको तराश दिया जाता है, लेकिन अगर वो गांठें किसी पर पड़ती हैं तो वो हानिकारक होती हैं। तो उस डंडे पर, अच्छा, और अपनी अपनी लाठी जो रखता है
वो उस पर खुरच कर अपना नाम लिख देता है ताकि कहीं किसी आयोजन में प्रयोजन में जब लोग जाते हैं तो खाना वाना खाते समय सारी लाठियां एक जगह रख दी जाती हैं तो किसी की लाठी एक दूसरे से बदल ना जाए, तो अपना अपना नाम उसमें खुरच कर लिख देते हैं। चाकू की नोक से या किसी पॉइंटेड चीज से वो उसमें खुरच देते हैं ताकि उन्हें पहचानने में दिक्कत न हो। ऐसी ही एक लाठी घटना स्थल से बरामद हुई थी जिस पर राकेश बी लिखा हुआ था। इसके सिवा पुलिस के पास कोई एविडेंस मौका वारदात से नहीं मिला था। बहरहाल हंसराज चौहान के उस कॉल डिटेल में जिस महिला का नंबर मिला था, मलिंडी की रहने वाली, उस महिला के नंबर से 4-5 नंबर निकाले गए जिनमें से एक नंबर उसके पति का ही था। पति का नाम था कन्हैया लाल। पति को बुलाया गया। पति ने घटना से एक हफ्ते पहले कुछ लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत की थी। उनमें एक नंबर मिला जिसका नाम था राकेश। फिजिकल वेरिफिकेशन में जब उसने बताया कि उसका नाम राकेश है और इस तरह से वो उसके पति से बात करता था, फौरन उसे थाने पर लाया गया क्योंकि लाठी पर राकेश बी ही लिखा हुआ था। सामान्य रूप से ऐसे तो कोई देखिए बताता नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि आप उनसे श्रीमान जी करके पूछताछ करेंगे। हालांकि मानवाधिकार आयोग यही कहता है कि आप किसी भी तरह के बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे। जिसको थर्ड डिग्री कहा जाता है उस तरह के साधन का प्रयोग पूछताछ में नहीं करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि श्रीमान जी आप इस घटना के बारे में बताइए, उसने आज तक कभी नहीं बताया। ये जरूर हो सकता है कि बहुत ढेर सारे सबूतों के आधार पर जब हम उसको कन्फ्रंट कराते हैं कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारी लोकेशन फला जगह थी, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड बता रहा है कि तुम फला जगह थे, 11:02 पे तुमने कहा कि मेरी अपने बेटे से बात हुई, कॉल डिटेल के हिसाब से तुमने फला आदमी से बात की, इस तरह के फैक्ट से जब आप उसको रूबरू कराते हैं तब 10-20% केसेस में अपराधी टूटता है या सही सही बात बताता है। अदरवाइज श्रीमान जी बता दीजिए, ऐसे पर किसी अपराधी ने आज तक अपने गुनाह, दूसरे के गुनाह, या अगर वो चश्मदीद है तो उसने कभी नहीं बताया है। बहरहाल राकेश से उसी तरह की पूछताछ शुरू हुई जिसका मैं जिक्र करता हूं, श्रेणीबद्ध पूछताछ। तब उसने बताया कि कन्हैया लाल मेरे रिश्तेदार हैं जो उस महिला के पति हैं। महिला के नंबर से कन्हैया लाल का भी नंबर निकला था और राकेश का भी नंबर निकला था। जब अच्छी वाली पूछताछ हुई तब पूरी बात खुलकर सामने आई। हुआ ये कि हंसराज चौहान ठेकेदारी का काम करता था। अलग अलग साइट्स पर उसके ठेके का काम चलता था। ठेके का मतलब सड़क बनाने का, गिट्टी डालने का, मजदूरों की सप्लाई का, बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बहुत ढेर सारे ठेकेदार अपने जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग काम करते हैं। अपने ऐसे ही एक काम के दरमियान मलेंडी के एक युवती से उसकी जान पहचान हो गई। युवती क्या, कन्हैया लाल की पत्नी से, और धीरे धीरे उससे संबंध हो गए। संबंध भी बहुत गहरे हो गए और ये बात युवती के पति कन्हैया लाल को भी किसी ने आकर बताई कि तुम्हारी पत्नी के हंसराज से संबंध हो गए हैं। गांव में बदनामी के डर से या गांव के लोग जब टोकने लगे तो फिर आप समझ लीजिए कि अभी इसमें कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि जो क्लोज निट सोसाइटी है गांव की, उसमें ऐसी बातों को उपहास के तौर पर बोला जाता है, टॉन्ट के तौर पर बोला जाता है, तमाम शब्दों को आगे पीछे लगाकर बोला जाता है। इन सभी बातों से आहत कन्हैया लाल ने, क्योंकि वो
हंसराज बड़ा ठेकेदार था, पैसे वाला था, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मन भी बनाना ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। बहरहाल उसने अपने जो रिश्तेदार थे राकेश, उनसे बातचीत की और उसके बाद राकेश ने अपने संगी साथियों से बात की, बैठ के इत्मीनान से प्लान बनाया गया कि हंसराज को रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके पहले एक दिन गुस्से में महिला के पति कन्हैयालाल ने हंसराज को फोन भी किया। उसने संबंधों की बात तो नहीं की, लेकिन ये कहा कि तुम बार बार फोन करके हमारी पत्नी को परेशान करते हो। हंसराज ने भी उसका दो टूक जवाब दिया, अपनी पत्नी से पूछो वो क्यों बार बार फोन करती है। इस बात से कन्हैयालाल और आहत हुआ। इन सब लोगों ने अच्छी तरह से इसका प्लान बनाया कि ऐसा प्लान हो कि हंसराज मारा भी जाए और किसी को पता न लगे। यही मुगालता अपराधी अपने मन में पालते हैं। प्लान के मुताबिक 19 जुलाई 2022 को सब लोगों ने घेर कर कन्हैयालाल की पत्नी से कहा कि तुम टेलीफोन करके फला जगह बुलवाओ और खबरदार, अगर तुमने बातचीत में कोई इशारा कर दिया, बातचीत में खतरे की कोई बात बता दी, तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। सभी लोग घेर कर बैठ गए। महिला ने अपने नंबर से हंसराज चौहान को फोन किया और उससे पर्टिकुलर जगह पर आने के लिए कहा। प्लानिंग के मुताबिक वो जिस रास्ते से होकर आता था, वहां उस रास्ते में जहां घना जंगल पड़ता है, उसी जंगल के पास 4-5 लोग मोटरसाइकिलों पर इकट्ठा हो गए। कन्हैया के पिता रामचंद्र चौधरी, उनको भी ये बात बुरी लगी, वो भी मलेंडी के रहने वाले हैं। अजय उर्फ अज्जू, पिता का नाम देवी सिंह, और राकेश के पिता देवकरण वर्मा, चार लोग दो मोटरसाइकिलों पर वहां खड़े हो गए। सब लाठी डंडे से लैस थे। जैसे ही दूर से उन्होंने हंसराज चौहान को आते हुए देखा, सामने गाड़ी लगाकर लाठियों से उसके सिर पर वार किया। थोड़ी देर में सिर उसका एकदम फट गया, लहू लुहान हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत उसे जंगल के भीतर ले गए। पहले से इकट्ठा की गई सूखी लकड़ी और उपले कंडे, गोबर के जो सूखे गोबर के होते हैं, वो सब पहले चिता की तरह सजा कर रखे गए थे। फौरन उसके ऊपर उसका मोबाइल फोन निकालकर, उसका पैसा निकालकर, उसकी घड़ी निकालकर उसके ऊपर शव को रख दिया। सूखी लकड़ियों का, जंगल की सूखी लकड़ियों का उसके ऊपर अंबार लगा दिया। फिर अपनी अपनी मोटरसाइकिल की टंकियां, पेट्रोल टंक, जो पेट्रोल के जो टैंक होते हैं उसको टंकी फुल कराना कहते हैं लोकल डायलेक्ट में, कि फुल टंकी पहले से करा के रखेंगे ताकि हमें अपने जो हमारा काम है उसको अंजाम देने में कोई दिक्कत ना हो। फुल टंकी पेट्रोल में कपड़ों से पेट्रोल गीला करके और उस लकड़ी और कंडे पर वो पेट्रोल छिड़का गया और बाद में मोटरसाइकिल साफ करने वाले वो कपड़े को भी उस पर रख कर आग लगा दी। सभी चार लोग हाथ बांधकर वहां खड़े रहे ताकि आने जाने वालों को ऐसा लगे कि किसी परिचित के अंतिम संस्कार में लोग खड़े हैं। और वो तब तक खड़े रहे जब तक कि उन्हें अच्छी तरह से यह एहसास नहीं हो गया कि अब डेड बॉडी जल गई है। उसकी मोटरसाइकिल और फोन वहां से लेकर ये सब लोग चले और जमगेट के जंगल के थोड़ा सा आगे गहरे जंगल में भीतर जाकर उसकी मोटरसाइकिल और उसी के पास मोबाइल फोन रख दिया।
जैसे ही उसको मार दिया था उसके तुरंत बाद मोबाइल निकालकर उसको स्विच ऑफ कर दिया था। मोबाइल के इसी स्विच ऑफ करने से पुलिस को यह अंदाजा लगा था कि ये हंसराज की बॉडी हो सकती है, लेकिन फिर भी तमाम कानूनी पचड़ों, विवेचना की तमाम दिक्कतों को ध्यान में रखकर उसके डीएनए मैपिंग के लिए सैंपल को भेज दिया गया था भोपाल। बहरहाल ये वहां से चले आए और पुलिस को तमाम जो इसमें एविडेंस हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, कोई भी चश्मदीद गवाह इस विवेचना में नहीं मिला, उनको हो भी नहीं सकता था। जितने लोग थे वो सब हत्या में शामिल थे। 120 बी यानी हत्या की साजिश में मारने के लिए अपने प्रेमी को फ़ोन करके बुलाना और बाद में अपने पति और बाकी रिश्तेदारों की मदद से उसकी हत्या कर देना, 120 बी में उसका भी चालान किया गया। इस तरह से इस ब्लाइंड मर्डर, अंधे कत्ल को पुलिस ने बहुत, जिसको कहते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर और इस अंजाम तक पहुंचाया कि अब उसकी चार्जशीट सबमिट करने में एविडेंस के आधार पर पुलिस को कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़गोदा के थाना प्रभारी अमित कुमार और किशनगंज के थाना प्रभारी कुलदीप खत्री, इन दोनों पुलिस अधिकारियों ने इस ब्लाइंड मर्डर को ओपन करने में, अपराधियों को अरेस्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई। तब तक ये शांत नहीं बैठे जब तक ये अपराधियों तक पहुंच नहीं गए। कन्हैयालाल की बेटी, कन्हैयालाल की पत्नी, उसको भी 120 बी में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। 27 एविडेंस एक्ट में किसी की निशानदेही पर किसी चीज की बरामदगी कोर्ट में बहुत अहम एविडेंस माना जाता है। राकेश बी लिखा हुआ डंडा, उससे शुरुआत हुई और उसका अंत अपराधियों की गिरफ्तारी तक हुआ। आज की घटना, आज की घटना में एक व्यक्ति एक बार फिर से अवैध संबंधों के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा। पुलिस के सामने बड़ी समस्या उस समय जब ये बताया गया कि एक व्यक्ति की लाश जिसका 80% या 90% जल चुका है वो जंगल में पड़ी है, तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने ये था कि आखिर ये है कौन। लोगों के पहचान पाने का कोई तरीका नहीं था, कोई ऐसा साबित भाग नहीं था शरीर का कि लोग उसे पहचान सकते। गुमशुदगी ही एक सहारा थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद भी ये तय करना कि मिली हुई लाश के कुछ पार्ट इसी व्यक्ति के हैं या किसी और व्यक्ति के हैं, पुलिस के लिए ये भी बड़ा चैलेंज था। मुलजिमों ने सबूत को नष्ट करने में सारी सावधानी बरती, उसको अच्छी तरह से जला दिया, लेकिन उनके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि 10% बचे हुए शव से भी मृतक की पहचान की जा सकती है। जो लोग शवदाह वाले स्थान पर जाते होंगे, महिलाएं तो नहीं जाती हैं, ऐसी परंपरा नहीं है, पुरुष लोग जाते हैं, वो जानते हैं कि पुरुषों का धड़ का हिस्सा
और महिलाओं के कमर से नीचे का हिस्सा, ये सबसे बाद में नष्ट होता है आग में। और जो शमशान घाट पे या जो जहाँ शवदाह गृह होता है, जो लोग उसको मैनेज करते हैं, जो ये काम करते हैं शव के जलाने का, वो इसी यत्न में लगे रहते हैं कि कैसे ये दोनों हिस्से जल्दी से जल्दी जलें। एक्स्ट्रा लकड़ी, एक्स्ट्रा घी, एक्स्ट्रा गूगल जो जलाने वाला पदार्थ है, और एक्स्ट्रा वो जो फूस होती है, वो ये सब चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं कि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ये बचे नहीं, क्योंकि शव का कोई हिस्सा बचना ये अपशगुन सा माना जाता है। और यही बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा अपराधियों के लिए या हत्यारों के लिए अपशगुन की तरह काम आया। हंसराज का यही हिस्सा जलने से बच गया और जिससे उसकी पहचान हो गई और जिससे इस कत्ल का पता लगा। अगर वो हिस्सा बचा न होता और एक दो दिन में वो राख हवा से या पानी बरसने से हट गई होती, तो इस बात के भी सबूत न मिलते कि यहां किसी को जलाया गया है। अब आप सोचिए कि मारने वालों ने इतनी जबरदस्त प्लानिंग कर रखी थी कि जब महिला से फोन करके उसको बुलवाया तो उन्हें पता था कि किस रास्ते से आएगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। रास्ते में जहां उसे मारना था वो भी तय कर लिया। दो दिन पहले से जंगल की सूखी लकड़ियां और बहुत ढेर सारे उपले और कंडे भी इकट्ठा कर लिए थे एक जगह पर कि यहीं मारेंगे, मार के यहीं तुरंत जला देंगे ताकि शव की पहचान न हो सके। प्लानिंग के हिसाब से एग्जैक्टली उसी जगह पर उसे रोका, वहीं उसकी हत्या की और वहीं पर उसने उसको ले जाके तुरंत उस सूखी लकड़ी और कंडे के ऊपर उसे फेंका। पेट्रोल टंकियां फुल कराई हुई मोटरसाइकिलों से, साफ करने वाले कपड़ों बल्कि उसके भी कपड़े उतार कर जो उसने पहन रखे थे उसको भी पेट्रोल से सराबोर करके उसके ऊपर रखा और तब उसमें आग लगाई। जब तक पूरा शरीर जल नहीं गया, हाथ बांधे वहीं खड़े रहे ताकि अगर किसी की निगाह भी पड़े तो उसको यही शंका हो कि ये किसी परिचित, किसी अपने के दाह संस्कार में लोग खड़े हुए हैं। लेकिन इसी आपाधापी में एक लाठी छूट गई। ऐसा नहीं है कि वो धोखे से छूट गई, वो छूट गई, उसको ढूंढने का भी प्रयास किया लेकिन वो लाठी उनको नहीं मिली। बाद में वही लाठी पुलिस तक पहुंची, उसी राकेश बी को उसी लाठी से, उसी लाठी पे लिखे हुए नाम के फैक्ट से इंटरोगेट किया गया और पुलिस को असली कहानी का पता लगा। मोटरसाइकिल और मोबाइल जामगेट के जंगलों में इसलिए फेंका गया कि जब इसको लोग ढूंढेंगे तो इसका मोटरसाइकिल या तो पुलिस इसको लावारिस में ले जाकर थाने पर दाखिल करेगी, परिजन आएंगे तो उसी जंगल के आसपास इसे ढूंढा जाएगा और तब ये हल्ला होगा कि ये कहीं भाग गया, क्योंकि लाश इसकी मिलेगी नहीं। मोबाइल फोन को भी इसलिए न जलाया न नष्ट किया कि इससे ये पता लगेगा कि यहां तक आया था, लेकिन ये सब दांव उल्टा पड़ गया। इस अज्ञात या ब्लाइंड मर्डर का खुलासा जिन पुलिस वालों ने किया उन्हें सलाम बनता है। लग के इस अज्ञात मर्डर को अपने अंजाम तक पहुंचाना कठिन काम था, मेहनत का काम था जो पुलिस वालों ने किया, तो इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस के उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को एक सलाम बनता है। अब तक लगभग 50 अपराध की ऐसी घटनाएं मैं बता चुका हूं। किस्सा कोई परिवार के लोगों को जिसमें अवैध संबंधों में दोनों में से किसी एक की बलि हुई है।
दोनों में से कोई एक जान से हाथ धोया है, फिर भी लोग हैं कि नहीं मानते, मानते ही नहीं, और ये मान के चलते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं या कर रही हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा। और वो ये नहीं जानते कि ये मोबाइल फोन जो है ना, ये आपकी एक्टिविटीज और आपकी जिंदगी का डस्टबिन है। इसमें खराब, गंदी, बेकार और बदबूदार चीजें आप डस्टबिन में डालेंगे, इस मोबाइल फोन में, तो जब भी डस्टबिन का ढक्कन खुलेगा, जब भी, ये बदबू बाहर आएगी। बदबू लोगों के नाक कान तक जाएगी। और यही बदबू आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। ये मोबाइल ऐसा डस्टबिन है। अच्छी चीजें अगर इसमें होंगी तो खुशबू भी आएगी, लेकिन अगर एक बार इस डस्टबिन का ढक्कन खुला, पुलिस ने खोला या घर वालों ने किसी ने खोल लिया, बच्चों ने खोल लिया, तो बदबू फौरन बाहर आएगी और आपका जीवन बर्बाद करेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।